हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर अमेजिंग डे विद स्माइल, बिकॉज स्माइल इज़ अ मेडिसिन ऑफ लाइफ। और आज हम आ गए रणदीकपुर, जी हाँ दोस्तों, जो कि दाहोद से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ जब हम आते हैं तो हाईवे तो गुजरात के पता ही है आप, और लिमखेड़ा से तो क्या रोड है, क्या हाईवे है, तक टका तक। और यहाँ पे रोड साइड पे जंगल ही जंगल है, आप देख ही सकते हो मेरे पीछे। तो यहाँ का व्यू तो बहुत बढ़िया है और यहाँ की वाइब भी कुछ अलग है। और आप अगर रोड ट्रिप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो आई जस्ट हाईली रिकमेंड यू, आप एक बार ज़रूर रणदीकपुर आइए। तो क्या आप मेरे साथ रणदीकपुर आना चाहते हो? आना चाहते हो? आना चाहते हो? आइए। दोस्तों आज हम आ गए रणदीकपुर। यहाँ पे गांव में कितने खूबसूरत घर है, ये झोपड़े जिसे बोलते हैं, दिखाइए ये वाला देखिए। और ये पूरा रणदीकपुर जंगल विस्तार है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा जंगल है। यहाँ से आप आते हो तो रोड साइड पे पूरा जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं देखेगा। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव है। इतनी शांति है, सुकून है, और आपको चिड़ियों की आवाज़ आएगी, पंछियों की आवाज़ आएगी। और यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है जैसा सिटी में होता है, ऐसा इत्मीनान से सुकून से जीते है। आपका क्या नाम है काका? वाला भाई। वाला भाई, आप क्या खेती करते हो? हाँ, खेती करिए। देखिए दोस्तों, आइए अंदर देखिए। यहाँ पे ऐसे कितनी है, ये अनाज का भंडारा है जो हम टाके रखते हैं, तो इसमें ये लोग लिपन करके और पूरा अनाज भरते हैं पूरे साल भर का। देखिए पूरा, जिसे हम स्टोर रूम कहते हैं, तो इनका गांव का स्टोर रूम है, देसी स्टोर रूम जैसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे देसी चूल्हा आप देख ही सकते हो दोस्तों। यहाँ पे दोरों के लिए, देखिए यहाँ पे दोरों के लिए, और ये छोटा सा गाय का बच्चा है, देखिए बहुत प्यारा सा, कितना प्यारा सा बच्चा है गाय का। और देखिए यहाँ पे उनकी खेती बाड़ी भी है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे ये किसके खेती है? ये अच्छा, कपास की खेती। देखिए दोस्तों, मैंने कपास की खेती पहली बार देखी है, क्या बात है। देखिए कपास की खेती इस तरह की होती है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए यहाँ के फूल भी लगे हुए हैं यहाँ पे। अभी देर है, कितनी देर है अभी कपास होने में? कपास एक डेढ़ महीना में पक जाएगा। तो कितना महीना थिया? आज चार महीना, चार महीना थिया जी। तो एक डेढ़ महीना पक जाएगा कपास। तो देखिए दोस्तों की यहाँ कपास की खेती भी देखने को मिल गई रणदीकपुर में हमें। ये लोग कुदरती खतर का यूज करते हैं, जिसे छानियों खतर बोलते हैं देसी भाषा में, देख सकते हो। अदरवाइज हमारे अपने एरिया में तो फिर रासायनिक खतर का यूज होता है, पर यहाँ पे देसी खतर जिसे बोलते हैं छानियों खतर, कुदरती खतर का यूज होता है, और बहुत अच्छी बात है ये दोस्तों। गांव की एक वाइब भी अलग होती है, यहाँ तक तो अलग फीलिंग ही आती है, सुकून एक मिलता है अलग आके। यार एक ऐसे लिपन किया होता है सभी जगह बैठने के लिए। हाँ, आराम से आप बैठ भी सकते हो, सो भी सकते हो, आराम भी कर सकते हो खाट पे। तो हम ज़्यादा अभी आराम करने का समय नहीं है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए। कुछ मेरे राज तेरे राज।
सादिकपुर जो कि दाऊद से 50 किलोमीटर पे है। तो यहाँ हम आए तो ये सोच के आए थे कि यहाँ रंदिकपुर आएंगे, रंदिकपुर से 10 किलोमीटर पे एक वाटरफॉल है, वहाँ पे जाएंगे। बट हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि हमें इस तरह के जंगल में आना होगा, और वो भी इतना बड़ा जंगल, आप देख ही सकते हो पूरा लोकेशन। और हम जिस तरह से आए मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत ही हम घूम के आए हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा रास्ता है। और आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पूछोगे तो भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं इतना कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं। स्थानीय लोगों से पूछ पूछ के आया हूँ मैं, तो बहुत ही मुश्किल भी था ये सफ़र, बट इंटरेस्टिंग भी था, एडवेंचर से भरा हुआ था, और थोड़ा साहस भी करना पड़ता है दोस्तों यहाँ ऐसे इलाके में आप आते हो तो। बट ऐसा बियर्ड, ऐसा जंगल कभी कहीं भी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। इतना रोमांचक है और इतना खूबसूरत है, और जंगल दोस्तों डरा तब तो है। तो अभी दोस्तों जाने का वक्त हो गया है, तो आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए आप आगे मेरे चैनल पे कौन से वीडियो देखना चाहते हैं। ओके बाय, टेक केयर, बिकॉज यू आर ओनली बेस्ट केयर टेकर योर सेल्फ। बाय दोस्तों, देखिए ऐसे रास्ते में ओके हम आए थे। भीड़ में जंगल में गए थे तो हमें खुजामा भाई ने ही सजेस्ट किया था, तो थैंक यू वेरी मच खुजामा भाई। तो दोस्तों यहाँ आके हमें बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, और ऐसे आप कभी भी जाओ तो स्थानीय लोगों के कांटेक्ट करके ही जाइए आप। ओके थैंक यू।